हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू लिटिल बिट टेक इन्फो। आज के वीडियो में हम जो है रिपेयर करने वाले हैं ये MI का हेडफोन, जिसमें जो है वन साइड नॉट वर्किंग है, इस साइड का जो है वर्क नहीं कर रहा है। तो हम इसे चेक करेंगे और रिपेयर करेंगे, देखते हैं कि इसमें स्पीकर ख़राब है कि किस चीज़ से दिक्कत है। तो अगर दोस्तों इस साइड वाला स्पीकर नहीं चल रहा है तो आप जो है यहाँ से जाने वाली वायर को चेक कर सकते हैं। पहले आप स्पीकर चेक कर लीजिए, उसके बाद यहाँ से जाने वाली वायर को चेक कर लीजिए दोनों तरफ के हिस्सों को खोल के। और जो है ऐसा एक हेडफोन मेरे पास पहले आया था जिसमें जो है दोनों ही स्पीकर काम नहीं कर रहे थे, दोनों स्पीकर जो है एक साथ चलना बंद हो गए थे। तो उस कंडीशन में दोस्तों अगर दोनों स्पीकर एक साथ चलना बंद हो गए तो इसका मतलब ये है कि उसके अंदर कोई हार्डवेयर की दिक्कत है, क्योंकि एक साथ दोनों स्पीकर चलना बंद नहीं हो सकता किसी भी हेडफोन में, बहुत ना के बराबर ही चांसेस रहते हैं। तो अगर दोनों स्पीकर चलने बंद हो जाते हैं तो समझ लीजिए कि उसमें कोई बोर्ड में जो उनके कंट्रोलर हैं, एम्पलीफायर IC होती है जो भी लगी होती है इन दोनों स्पीकर को चलाने के लिए, वो हो सकती है ख़राब हो गई हो। और उसमें था दोस्तों, मैंने चेक किया था, उसमें वो IC ही ख़राब थी, तो वो तो सॉल्व नहीं हुआ था। पर जो है आप देखते हैं कि ये सिंगल स्पीकर जो है क्यों नहीं काम कर रहा है। तो चले दोस्तों हम इसको खोल के देखते हैं। पर उससे पहले अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए फ्यूचर में आने वीडियो को देखने के लिए, और वीडियो पसंद आए तो दोस्तों लाइक ज़रूर कीजिए, क्योंकि मैं मेरे वीडियो पर देखता हूँ कि बहुत ही कम लाइक्स होती है और मुझे ऐसा लगता है कि मैं इतनी भी बुरी नहीं वीडियो बनाता हूँ। तो प्लीज़ वीडियो को ज़रूर लाइक कीजिएगा। तो चलिए इसको खोलते हैं। अब इसको खोलने के लिए बहुत से लोग जो हैं इसको यहाँ से ट्राई करते हैं। अब ये देखिए मेरे पास पहले से ही ट्राइड आया हुआ है, यहाँ से जो है इसके लॉक टूट गए हैं। कोई बात नहीं, हम यहाँ टेप लगा देंगे। दोस्तों इसको खोलने के लिए आपको सबसे पहले आगे का हिस्सा खोलना है और उसके बाद ये हटाना है, फिर इसके नीचे आपके स्क्रूज होंगे। तो सबसे पहले हम इसको खोल लेते हैं। और दोस्तों इसका दोनों कुशन जो है ख़राब हो गया है, तो इसमें कुशन नहीं आया हुआ है, और ये जो चीज़ है आप उसे आराम से खींच के निकाल सकते हैं साइड से। तो इसको ओपन करके सबसे पहले हम इसका स्पीकर ही चेक करेंगे कि स्पीकर ठीक है या नहीं ठीक है। मल्टीमीटर के ज़रिए या कंटिन्यूटी टेस्टर से आप चेक कर सकते हैं। मैंने कंटिन्यू मोड पे डाल रखा है, बीप की आवाज़ सुनाई देगी आपको। ये देखिए बीप आ रहा है और 31 जो है ओम्स जो है 32 के आसपास ओम्स आ रहा है रेजिस्टेंस कॉइल का, जो कि आना बहुत ज़रूरी होता है, बीप ही मायने नहीं रखता है। कई बार लोग जो है बीप देख के ये सोचते हैं कि स्पीकर सही है, पर दोस्तों कॉइल का रेजिस्टेंस अगर आपको अच्छी तरह मिल रहा है तो ये जो है हेडफोन्स के स्पीकर में 32, 20, 16 आसपास स्पीकर्स में मिलते ही मिलते हैं। अगर आपके पास एक दो मिल रहा है यहाँ पे तो दैट मीन्स कि आपका जो स्पीकर है वो कॉइल जो है शॉर्ट हो गई है, ख़राब हो गया है, तो इस वजह से आपका जो है स्पीकर हो सकता है बंद हो गया हो। तो ये तो ठीक है हमारा। अब जो है हम इसकी वायरिंग चेक करेंगे। तो हम जो है इसकी जो है स्पीकर को निकाल लेते हैं। उसके बाद जो है हमें ये स्क्रू खोलना है यहाँ से। तो अब दोस्तों इसमें हमें दो चीज़ें चेक करनी है। दो चीज़ें क्या, सबसे पहले आप वायर चेक कीजिए, उसके बाद हम बोर्ड पर जो सप्लाई चेक करेंगे आ रही नहीं आ रही है। तो सबसे पहले हम वायर ही चेक कर लेते हैं कि दोनों वायर की कंटिन्यूटी यहाँ तक आ रही है नहीं आ रही है। तो
इसे जो है हम ऐसे यहाँ पे लगाएंगे और सेम वायर के कलर पे यहाँ पे देख सकते हैं आपकी कॉन्टिन्यूटी आ रही है, इसका मतलब वायर के कनेक्शन सही है। अब इसका देख लेते हैं, तो दोस्तों आप देख सकते हैं कि इसमें जो है ग्रीन कलर की जो वायर है इसके अंदर जो है कोई भी कॉन्टिन्यूटी नहीं आ रही है। इसका मतलब जो है ये ग्रीन कलर वाली वायर की वजह से ही ये जो ईयर हेडफोन है ये जो है बंद हो गया है। तो हम जो है इसको निकाल लेते हैं वायर को। तो मैं आपको एक बार और चेक करा देता हूँ। ये देखिए कोई भी कॉन्टिन्यूटी नहीं है, कोई भी बीप आपको सुनाई नहीं दे रही होगी। और इस पे इस वाले पे मैं आपको दिखा देता हूँ। ये देखिए बीप आ रही है इस पे। अब जो है हम इसको कहाँ से काटें दोस्तों, यहाँ से जो है थोड़ा सा मुझे अजीब सा दिख रहा है, थोड़ा सा यहाँ से उठा उठा सा दिख रहा है। तो अब हम इसको यहीं से काट के देखते हैं, हालांकि कहाँ से टूटी हुई है इसका एक और तरीका है जानने का कि आप जो है इसको ऐसे कर लीजिए और ये वायर जो है यहाँ से ऐसे कर लीजिए, काट लीजिए। अब जो है आपको खींचना है इसको, अगर ये यहाँ से टूटी होगी तो ये पूरी वायर जो है यहाँ से निकल जाएगी। मुझे लग रहा है दोस्तों ये टाइट बॉन्डिंग है इसकी इसके इसकी ऊपरी लेयर की वजह से इसलिए खिंच नहीं रही है। तो हम इसको यहीं से काट कर फिर चेक करेंगे, क्योंकि बहुत सारे हेडफोन की वायर लूज होती है, अगर बीच में से कटी हो तो आप खींचते हैं तो पूरी वायर बाहर निकल आएगी। हम इसको यहीं से काटते हैं और यहीं से चेक करते हैं, इतनी वायर में वैसे हमारा काम हो जाना चाहिए। ये देखिए दोस्तों जैसा कि मैं आपसे कह रहा था, हमने वायर खींची थी पर थ्रेड की वजह से शायद ये खींच नहीं रही थी, यहाँ से जो है आधी वायर जो है टूटी हुई है। आप देख सकते हैं कि ये थ्रेड है यहाँ पे, ये फोकस नहीं हो पा रहा है, क्या प्रॉब्लम हो गई है। ये देखिए दोस्तों ये जो है थ्रेड है, आधी वायर जो है टूट गई है यहाँ से। तो हमें जो है यहीं से जोड़ना है, तो हम जो है इसको यहीं से जोड़ लेते हैं कट करके। अब जो है मैं आप लोगों को एक बार और जो है वायर की कॉन्टिन्यूटी चेक करा देता हूँ दोनों ही वायर की। ये देखिए एक वायर की कॉन्टिन्यूटी, ये दूसरी वायर। अब जो है हमारी दोनों वायर ठीक है और अब जो है हम अगर स्पीकर लगाएंगे इसमें तो ये काम कर जाएगा। तो हम जो है इसको
पैक कर लेते हैं। तो दोस्तों हमारी जो है फिटिंग तो हो चुकी है, पर मैं एक नॉर्मली एक बार इसको ऑन करके जो ऑन करने वाली आवाज़ है वो चेक कर लेता हूँ। तो दोस्तों इसमें स्पीकर में आवाज़ आ चुकी है। तो हमने हमारी प्रॉब्लम जो है दोस्तों एक साइड जो नहीं चल रहा था इस हेडफोन में सॉल्व कर ली है। तो उम्मीद करता हूँ दोस्तों आज की वीडियो आपको पसंद आएगी। वीडियो पसंद आए तो लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिएगा। और यहाँ के लॉक जो यहाँ के लॉक जो है आपके भी टूट गए हैं, तो यहाँ पर जब बस आपको ट्रांसपेरेंट टेप या ब्लैक टेप मार देनी है, इससे कोई दिक्कत नहीं होगी, ये आराम से स्लाइडर भी होता रहेगा।